बेनीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं, बेनीवाल जी किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। हमला मैंने कराया नहीं कराया ये सबको अच्छी तरह से पता है। मैंने किसी प्रकार का हमला नहीं कराया और इस हमले की संस्कृति से मैं इस्तफाक भी नहीं रखता, नहीं तो गलत शब्दों का इस्तेमाल, नहीं किसी प्रकार का हमले की संस्कृति के मैं सख्त खिलाफ हूँ। मेरा उनको भी यही नसीहत है, सकारात्मक तौर के ऊपर हम लोग जोड़कर, सबको जोड़कर नौजवानों को मजबूत करें, प्रदेश को मजबूत करें और देश को मजबूत करें। बोलने के लिए तो वो बोलते हैं कि नौजवानों को रोजगार मिले, आज 90 लाख नौजवानों बेरोजगार हो गई है देश के अंदर। आज जिस पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया है, क्या ये सवाल उनके सामने नहीं? ये चुनौती हम लोगों के सामने, कैसे अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार हुए, अर्थव्यवस्था में सुधार होकर सबसे पहले तो बेरोजगार हुए 90 लाख नौजवानों को रोजगार मिले और उसके बाद कतार में जो दूसरे नौजवान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे लगे। हम लोगों को कार्य वो करना चाहिए, उन कार्यों की जगह हम लोग किस दिशा के अंदर क्या कार्य कर रहे हैं, क्या ये सही है क्या ये गलत है। मेरा उनसे यही निवेदन है, हम लोग नौजवानों को मजबूत करें, किसानों को मजबूत करें, प्रदेश को और देश को मजबूत करें, वो रास्ता इख्तियार करें।